सोलन में मुख्यमंत्री हिमाचल की कई रैलियां आयोजित की गई, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिली है। किसी भी तरह कोई भी कार्यकर्ता कोरोना नियमों का अनुसरण करते हुए नहीं देखा गया। कुछ लोग बिना मास्क के ही कार्यक्रम में देखे गए, जिसे देखकर जिला सोलन के कलाकारों, डीजे संचालकों, जागरण पार्टी के दिलों का दर्द मीडिया के सामने छलक गया। उन्होंने कहा कि सरकार जीत हासिल करने के लिए जगह जगह रैलियां आयोजित कर रही है, भारी भीड़ एकत्रित कर वोट मांग रही है। इन रैलियों में कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। लेकिन कलाकारों के कार्यक्रमों पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से वह सड़कों पर आ चुके हैं। घर चलाना तो दूर, खाना खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। कलाकारों ने प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि रैलियों से अगर कोरोना नहीं फैल रहा तो हमारे कार्यक्रमों से कैसे कोरोना फैल सकता है। उन्होंने भाजपा के नारे सबका साथ सबका विकास को याद दिलाते हुए कहा कि भाजपा दोहरी नीति अपना रही है और केवल अपने बारे में ही सोच रही है। गरीब कलाकार घर कैसे चलाएंगे और बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं सोच रहा है। किसी भी जितने भी आज फंक्शन है सीएम साहब के, किसी ने भी आज इनको साउंड नहीं दिया हुआ है। जो भी ये साउंड आया है वो बाहर से मंगवाया गया है। कारण यही है कि हमारे बारे में कभी कोई सोच ही नहीं रहा है, कोई भी नहीं सोचता है, नहीं सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा। हमारे कार्यक्रम के लिए कोरोना होता है, देख लो यहाँ पर कितने आपने रश देखा होगा मीडिया ने, क्या कोरोना नहीं होता है क्या? हम कलाकार अगर 50 लोगों को 200 लोगों को अपनी गाना सुनाना जा रहे हैं, हमारा भीड़ से काम है, तो हमारी बारे में कोरोना होता है? सरकार की रैली में कोई कोरोना नहीं है। जी जी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो कोरोना है ना, कोरोना कलाकारों के ही प्रोग्राम्स में होता है, वैसे नहीं होता है कोरोना। और कलाकार जो है ना, कोरोना से बाद में मरेगा, पहले बेरोजगारी से मरेगा, बेरोजगारी से मरेगा पहले। और कलाकार सारे बेरोजगार हैं, और हम सारे हिमाचल के कलाकारों से निवेदन करते हैं, आने वाले कोई भी इंसान कलाकार नहीं, अपने बच्चों को कलाकार बनाएगा नहीं। अगर ऐसी ऐसी हालत रही हिमाचल में हमारे, कोई कभी कलाकार नहीं बनेगा। ये जो सरकार है इसमें जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, हम लोग सरस्वती जी के उपासक हैं। अगर हमारा ही नहीं कुछ सुनेंगे, जो कि हिंदू धर्म की जड़ें हैं, हम लोग मेनली जागरण करते हैं, जागरण टोटली बंद कर दिए हैं, पर रैली बंद नहीं हुई है। ठीक है, हम वोट आप लोगों को दे देंगे, पर आप हमारे रोजगार के बारे में तो वहीं पहुंचे हैं जहां पर रैली थी। आज हमारे पास वीडियो भी है, देखो कितना कल आज इतनी पब्लिक थी। ठीक है, और जब कार्यक्रम शुरू करो 50-200 कुछ तो रखो, हमारा रोजी रोटी तो चलाओ। डीजे साउंड वाले पूरे, जिन्होंने अपना लोन लिया हो, अपनी किस्तें बैंक की किस्तें पूरी नहीं हो रही, बच्चे पालने, अपने बच्चे पढ़ाने, उन्होंने क्या करना है? भारतीय जनता पार्टी का जनरल सबका साथ सबका विकास वो सार्थक होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग तो पिछड़ गए हैं। हम लोगों का विकास कहाँ गया? हम लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। कृपया भारतीय जनता पार्टी इस नारे को सार्थक करे और सबको साथ लेकर चले, चाहे कलाकार हैं, जीजे साउंड वाले जो भी हैं, सबको साथ लेकर चले, तभी इस नारे की सार्थकता सिद्ध होगी।